Oh, so hey guys, aap log aa gaye. So hey guys, this is Abhay Chha once again right in front of you. और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो कि है मॉनिटर ओवरक्लॉकिंग. लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में जो कि मॉनिटर रिव्यू वाला था उसमें एक कमेंट आए थे, तो उसी कमेंट के रिप्लाई में मैंने लिखा था कि मैं वीडियो बनाकर आपको समझाऊंगा. तो वो कमेंट थी, एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए. तो उसके नीचे में एक कमेंट आई थी, तो आप यहाँ पर देख सकते हो. तो वो कमेंट थी, वेस्टेड मनी सक्सेसफुली लाफ आउट लाउड, व्हाई डोंट यू बाय 22MK 600M. ओके, सो इसका क्वेश्चन था कि दूसरा मॉनिटर क्यों नहीं प्रेफर करें. तो ऑब्वियसली आप गेमिंग करना चाहते हो तो आप वो प्रेफर कर सकते हो, 75Hz रिफ्रेश रेट है तो ये काफी अच्छा हो सकता है आपके लिए. और पर क्या हुआ कि इसी कमेंट के रिप्लाई में किसी और ने यहां पर कमेंट किया कि इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट मॉनिटर देन प्लीज डोंट स्प्रेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मॉनिटर. द LG 22MP68VQ हैज 75Hz रिफ्रेश रेट एंड 5ms रिस्पॉन्स टाइम लाइक 22MK. फर्स्ट कलेक्ट राइट इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट देन रिव्यू इट. होप इट इज क्लियर फॉर फ्यूचर या फीचर क्या इन्होंने लिखा है, पर्पस. ओके, व्हाटएवर. तो अब मैं कुछ नेगेटिव यहाँ पे नहीं कहना चाहूंगा किसी के भी बारे में. ओके, आपको अगर नहीं पता है तो आपने लिखा कमेंट में, लेकिन मैं ये चीज आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले तो अगर आपको नहीं प्रॉपर नॉलेज है तो आप इस टाइप की कमेंट कभी भी ना लिखें, क्योंकि ऑब्वियसली कोई यूट्यूबर आपको गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं करेगा, सबसे पहली बात. और दूसरी बात, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इसमें 75Hz का रिफ्रेश रेट है, तो आप जरा एक बात बताइए कि Amazon पे और LG की ऑफिशियल वेबसाइट पे क्यों यहाँ पर लिखा हुआ है 60Hz का मॉनिटर, ऑब्वियसली. और अगर आप मतलब कि यहाँ पर नॉर्मल तरीके से भी इसकी रिफ्रेश रेट 60 से ऊपर विंडोज की सेटिंग से या एनवीडिया कंट्रोल पैनल से या कहीं से भी आप बढ़ाना चाहते हो तो आप नहीं कर पाते हो, तो यहाँ पर क्या कैच है. तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, विच इज मॉनिटर ओवरक्लॉकिंग. और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉनिटर ओवरक्लॉकिंग क्या होता है. तो यहाँ पर जिस किसी ने भी ये कमेंट लिखा था नीचे उस वीडियो के, तो आई होप अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको ये बात यहाँ पर क्लियरली समझ में आ जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद. चलिए, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो हे गाइस, अब हम लोग जानते हैं कि मॉनिटर ओवरक्लॉकिंग क्या होती है. तो देखिए, बेसिकली मॉनिटर ओवरक्लॉकिंग मैं सीधा सीधी बता दूं तो आपके मॉनिटर का जो रिफ्रेश रेट है उसे आप बढ़ा सकते हो, फॉर एग्जांपल 60Hz से 75Hz तक. तो बेसिकली यही होती है मॉनिटर ओवरक्लॉकिंग. लेकिन इसमें एक कैच है, कैच ये है कि मतलब कि आपका मॉनिटर ओवरक्लॉकिंग सपोर्टेड होना चाहिए. अब ये आपको कैसे पता चलेगा, तो देखो जो आपके मॉनिटर की जो वेबसाइट है ना, मतलब कि जिस कंपनी का मॉनिटर है उस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप बाय मॉडल नंबर सर्च करना, तो आपको उस मॉनिटर के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में देखने को मिल जाएगी मैक्सिमम सपोर्टेड रिफ्रेश रेट. वही होता है मैक्स ओवरक्लॉकेबल रिफ्रेश रेट आपके मॉनिटर का, अगर वो ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट करता है तो. जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 60Hz मॉनिटर और मैक्स सपोर्टेड रिफ्रेश रेट 75Hz. तो ये होता है, जैसे कि मेरा ये मॉनिटर है तो ये 60Hz का मॉनिटर हुआ और आपका मैक्स ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट करता है अप टू 75Hz. तो अब आपका मॉनिटर में भी नहीं भी सपोर्ट कर सकता, हो सकता है और ज़्यादा भी सपोर्ट करे, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है ना. तो बस यही है मॉनिटर ओवरक्लॉकिंग. अगर आपका मॉनिटर सपोर्ट करता है तो आप उस रिफ्रेश रेट को बढ़ा सकते हो. अब इसे ओवरक्लॉकिंग क्यों कहते हैं, देखो अंतर होता है. मतलब कि अगर एक 75Hz का मॉनिटर है तो उसमें डायरेक्टली आप मतलब कि 75Hz तक सेट कर सकते हो, बट ओवरक्लॉकेबल मॉनिटर में आप कोई भी नॉर्मल तरीके से इसे आप नहीं ले जा सकते हो 75Hz तक के रिफ्रेश रेट तक. वो 60 से ऊपर जाएगा ही नहीं किसी भी नॉर्मल तरीके से. तो कैसे ले जाना है वो आगे हम लोग देखेंगे, मॉनिटर ओवरक्लॉकिंग कैसे की जाती है, तो उसी प्रकार से वो जाएगा. तो बस यही बात है और यही होती है मॉनिटर ओवरक्लॉकिंग.
तो इसीलिए ओवरक्लॉकेबल है ये मॉनिटर 75 हर्ट्स तक। तो इसीलिए कुछ यूट्यूबर्स मतलब कि कहना यही चाहते होंगे कि 75 हर्ट्स तक ओवरक्लॉकेबल है, लेकिन आपको समझ में हो सकता है नहीं आया होगा, इसीलिए आपको ये कन्फ्यूज़न हुआ होगा। तो बेसिकली अमेजोन पे एलजी की साइट पर हर जगह 60 हर्ट्स इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि एक्चुअली में 60 हर्ट्स का ही मॉनिटर है, ठीक है ना। और बट यहाँ पर ओवरक्लॉकेबल है अप टू 75 हर्ट्स। तो यही बात थी इस मॉनिटर के बारे में और यही थी मॉनिटर ओवरक्लॉकिंग। तो चलिए अब चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि एक्चुअली में मॉनिटर ओवरक्लॉकिंग कैसे की जाती है। तो अब हम लोग आ गए हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली में मॉनिटर ओवरक्लॉकिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है ना उसका कंट्रोल पैनल खोल लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर राइट क्लिक करके हम लोग एनवीडिया कंट्रोल पैनल खोल लेंगे। अगर आपके पास एएमडी का ग्राफिक्स कार्ड है या इंटीग्रेटेड जीपीयू आप चलाते हो इंटेल एसडी ग्राफिक्स या एएमडी वेगा, तो वहाँ पर आप मतलब कि सर्च कर सकते हो नेट पे कि उसमें कैसे कस्टम रेजोल्यूशन सेट करना है, बाकी आपको मिल जाएगा रिप्लाई। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एनवीडिया का कंट्रोल पैनल खुल गया है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में ये जो चेंज रेजोल्यूशन का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है और वो उस पर क्लिक करते ही यहाँ राइट हैंड साइड में कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ 1920x1080 जो नेटिव रेजोल्यूशन है 60 हर्ट्स पे अवेलेबल है। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ 60 हर्ट्स से ऊपर हम लोग सेट भी नहीं कर सकते हैं, आपने देखा यहाँ ऑप्शन ही नहीं दिखाता है। तो अब हमें क्या करना है, ओवरक्लॉक करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर चले जाते हैं इस कस्टमाइज़ बटन पे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक कस्टमाइज़ का बटन है इसके ठीक नीचे, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर कस्टमाइज़ का बटन क्लिक करते ही हमारा कस्टम रेजोल्यूशन सेट करने का आ जाता है। अब यहाँ पे क्रिएट कस्टम रेजोल्यूशन पे हम लोग क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स है, तो आप प्लीज़ पागल मत होना इन्हें देखकर, क्योंकि इसमें से आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, आपको बस रिफ्रेश रेट जो है ना 60 के जगह 75 कर देना है। फॉर एग्जांपल मेरा मॉनिटर 75 तक सपोर्ट करता है, अगर आपका मॉनिटर ज़्यादा सपोर्ट करता होगा तो वहाँ पर आप और ज़्यादा भी ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर आपका मॉनिटर नहीं रिस्पॉन्ड करता उतने हाई रिफ्रेश रेट पर तो 15 सेकेंड में वापस आपकी स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी 15 सेकेंड के लिए और उसके बाद वापस से रिवर्ट हो जाएगी प्रीवियस सेटिंग पे। तो यहाँ पर हम लोग टेस्ट का बटन पे यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं, तो यहाँ 2 सेकेंड के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिक, मतलब कि हमारा मॉनिटर यहाँ पर 75 हर्ट्स तक मैक्सिमम ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट करता है। तो यहाँ हमने यस कर दिया तो वापस हम लोग रिवर्ट हो गए 60 हर्ट्स पे, लेकिन यहाँ पर 75 हर्ट्स का एक कस्टम रेजोल्यूशन सेट हो गया है फुल एचडी का। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब सिंपली इसे ओके कर देते हैं या नीचे वाले बटन से। तो जैसे ही हमने किया तो हमारे यहाँ पर आप देख सकते हो एक कस्टम रेजोल्यूशन बन के आ गया है 1920x1080 प्रोग्रेसिव वाला ऊपर वाला, हाँ वो ये जिस पर माउस रखा हुआ है। तो आप देख सकते हो अब यहाँ पर इस पर हम क्लिक करके अप्लाई कर देते हैं, तो आप देख सकते हो इसमें यहाँ पर आ गया है और यहाँ रिफ्रेश रेट आप देख सकते हो 75 हर्ट्स है। तो अगर आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा होगा, वैसे तो यहाँ पर एनवीडिया कंट्रोल पैनल में आपने देख ही लिया 75 हर्ट्स, तो मैं यहाँ विंडोज़ की सेटिंग से भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग डबल श्योर हो जाए। तो यहाँ पर 1920x1080 है और यहाँ रिफ्रेश रेट आप देख सकते हो 75 हर्ट्स का। और साथ ही मैं एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर अब हम लोग उस कस्टम रेजोल्यूशन को हटाकर यहाँ पर 1920x1080 जो नेटिव है 60 हर्ट्स का उसे हम लोग दोबारा से अप्लाई कर दें, तो आप देख सकते हो कि अब यहाँ पर रिफ्रेश रेट 60 हो गया है वापस, और अब हम लोग किसी भी और दूसरे तरीके से इसे 75 नहीं कर सकते हैं। आप विंडोज़ की भी सेटिंग्स में यहाँ पर जाकर देख लो, रिफ्रेश रेट यहाँ 60 ही है और 60 से ऊपर यहाँ पर कोई ऑप्शन भी नहीं दिखा रहा है। तो कहने का मतलब है कि आप सिर्फ ओवरक्लॉकिंग से ही इसे 75 हर्ट्ज़ तक ले जा सकते हो कस्टम रेजोल्यूशन सेट करके, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। नॉर्मली आपको 60 तक ही दिखाएगा, उससे ऊपर नहीं दिखाएगा, तो यही एकमात्र तरीका है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो हे गाइस, आई विल कैच अप इन द नेक्स्ट वन।